नगर पालिक निगम भिलाई में सफाई कार्य की ठेका पद्धति में बदलाव करते हुए निगम प्रशासन ने कुछ नए नियम जोड़ दिए हैं, जिसके तहत अगर ठेकेदार कार्य को समय पर पूर्ण नहीं करते हैं तो उन्हें अर्थदंड देना होगा। भिलाई नगर निगम के सफाई का ठेका वर्ष 2023-24 के लिए 39 करोड़ रुपए का होने जा रहा है, जिसको निविदा के पूर्व सामान्य सभा में स्वीकृत किया जा चुका है। इस वर्ष सफाई के ठेके में नियम शर्तें जटिल रखे गए हैं। 24 तरह के कार्य का विवरण एवं उसके सामने अर्थदंड की राशि कटौती का उल्लेख किया गया है। इस नियम के तहत अगर सफाई नहीं होती है तो प्रति कार्य के पीछे न्यूनतम 500 रुपए से लेकर के अधिकतम 50,000 रुपए तक की कटौती की जाएगी। छत्तीसगढ़ लेबर एक्ट तथा मजदूरी एक्ट के धाराओं एवं नियमों का पालन करना होगा। लेबर एक्ट के अंतर्गत श्रमिकों को मिलने वाले लाभ जैसे पारिश्रमिक, नगर भत्ता, कर्मचारी भविष्य निधि, ईएसआई एवं अन्य लाभ दिया जाना ऑफरकर्ता की जवाबदारी होगी। कार्य के दौरान किसी भी आकस्मिक घटना, दुर्घटना, मृत्यु, शारीरिक क्षतिपूर्ति, विवाद, न्यायिक प्रकरणों एवं जनधन हानि की संपूर्ण जवाबदारी संबंधित निविदादाता की होगी। इसमें कहीं भी नगर पालिक निगम भिलाई जिम्मेदार नहीं होगा। इसके पूर्व भी सफाई ठेका के निविदा में इस बातों का इसके पूर्व भी निगम भिलाई के सफाई ठेका के निविदा में इन बातों का उल्लेख था, परंतु इस पर अमल नहीं किया जा रहा था। इस बार निगम आयुक्त रोहित व्यास एवं महापौर नीरज पाल ने सख्त आदेश दिए हैं कि निविदा में उल्लेख किए गए सभी नियमों का सख्ती से पालन होगा और ठेकेदार द्वारा किसी भी काम को पूर्ण न करने की स्थिति में उनकी राशि में से कटौती कर दी जाएगी। इसमें प्रथमतया तो जो हमारे सफाई कर्मी हैं उनकी उपस्थिति के आधार पर ही हम लोग ठेकेदार को भुगतान करेंगे, और दूसरा इसमें अगर सफाई व्यवस्था में कहीं भी कोई चूक दिखती है, कोई कमी दिखती है, तो उसमें दंड का प्रावधान किया गया है। तो वो पूरा टेंडर के टर्म्स कंडीशन में हम लोगों ने हर एक चीज़ का दंड का उसमें निर्धारित किया हुआ है कि दंड राशि क्या होगी, तो उसमें उनको दंडित किया जाएगा। इसमें जुर्माना लगाने का प्रावधान है, जैसे अगर नाली सफाई नहीं हो रही है तो उसके लिए एक निश्चित राशि निर्धारित है जो उन पर जुर्माना लगाया जाता है। तालाबों की सफाई नहीं हो रही है, सड़क की सफाई नहीं हो रही है, या डोर टू डोर अगर कचरा इकट्ठा करना है और वो नहीं कर रहे हैं हमारे कॉन्ट्रैक्टर, तो उन पर जुर्माना लगाने का प्रावधान है। तो जो निदान में कंप्लेंट्स आते हैं उसके बेसिस पे हम लोग फिर उन पर जुर्माना लगाएंगे और उनका जो राशि देय होती है उसमें से उसकी कटौती करेंगे। निविदा को जटिल बनाया गया है और इसमें उल्लेखित सख्त आदेशों का अगर पालन हुआ तो वह दिन दूर नहीं जब भिलाई वासी भी गर्व से कह पाएंगे कि हम सबसे साफ, सुंदर और स्वच्छ भिलाई में रहते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।